नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। प्रधानमंत्री जी का जम्मू में दौरा यानी 24 अप्रैल को, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें सबकी जागी कि देश के प्रधानमंत्री जम्मू शहर में आ रहे, जम्मू सांबा के पल्ली इलाके में आ रहे, और कहीं ना कहीं लोगों ने उम्मीदें लगाई थी प्रधानमंत्री जी आएंगे, कुछ ना कुछ सौगात सबके लिए लेकर आएंगे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो प्रधानमंत्री जी ने लाए, जिसकी वजह से आने वाले समय में काफ़ी डेवलपमेंट और कहीं ना कहीं रोज़गार के साधन भी खुलेंगे, क्योंकि जब प्रोजेक्ट आएंगे तो स्वाभाविक है उसमें रोज़गार भी मिलेगा। पर सबसे बड़ी बात है कि पीओके रिफ्यूजीज़ हैं उनके लिए क्या घोषणा की है। इस समय स्कंदिया जी हमारे साथ जुड़ चुकी, महिला विंग की प्रधान है, जाना चाहेंगे। आज इन्होंने प्रदर्शन भी किया, यहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया। स्कंदिया जी, कल प्रधानमंत्री जी का दौरा था और आज आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या कहेंगे? मैडम, हम कल प्रधानमंत्री जी आए थे, हम बहुत बड़ी बातें की, उन्हें बड़ी खुशी हुई है उनकी बातें सुन के। हमारे प्रधानमंत्री पहले शेर प्रधानमंत्री बोलते हैं इनको, जो हमारी इसलिए हम बोलते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी, क्योंकि उन्होंने 70-75 सालों के लोगों को, मरे हुए लोगों को जिंदा किया। तो हम आज प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं कि अमित शाह जी आ रहे हैं 8 मई को, तो उन्होंने वुमेन कॉलेज हमको डेट दी हुई है और हम उधर आ रहे हैं, उनके बात हमारी बात करेंगे आके पीओजेके के बारे में। और इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से और अपने अमित शाह जी से अपील करते हैं कि हमारी लोगों के लिए भला करें। आज आप किसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे? हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे को हमारी बात रखिए, पीओजेके रिफ्यूजी की बात नहीं की, 24.5 बैलेंस बचा है और हमारे को घर जमीन, जो नॉन कैंप रिफ्यूजी हम हैं सबसे गरीब तबका। मैडम, अभी तक ना घर है, ना गृहस्थी है, ना जमीन है। हम को भी ऐसे जैसे 47 वालों को, या 65 वालों को, या 71 वालों को किया है, नॉन कैंप रिफ्यूजी 71 वाले हैं, हमारे को भी ऐसे घर गृहस्थी दीजिए, कोई अपना पैसा 24.5 जो बचा वो दीजिए, ऐसी बात है। धन्यवाद। उम्मीद तो प्रधानमंत्री जी से होगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी, स्कंदिया जी ने कहा 70 सालों से जो अधिकार नहीं मिला, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक प्रयास किया गया भारत सरकार की तरफ से कि रिफ्यूजीज को जिस तरह से पहले अभी इनका 5-5 लाख रुपया हर परिवार को मिला, अब ये था कि पिछला जो बचा हुआ 24-24 लाख था वो फिलहाल नहीं मिला। इनकी यही उम्मीद है, इनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से बाकी लोगों को उनका अधिकार, मालिकाना हक मिला, उनको रहने के लिए आवाज़ मिली, इसी तरह इनको भी वो अधिकार मिले, और साथ ही साथ जो इनका पेंडिंग है, जो इनका 24.5 लाख रुपया है, वो भी इनको जल्द से जल्द मिले। अब देखना ये कि अमित शाह जी आ रहे हैं, इनकी आवाज़ अमित शाह जी तक पहुंचती है, और अमित शाह जी किस तरह का संज्ञान लेते हैं, कितनी इनकी मदद कर पाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। छोटी रियासी हमारे साथ अगले अपडेट के लिए जय जवाहर।